वेलकम बैक। तो कल का जो एपिसोड था भाई, धमाकेदार एपिसोड था, और उस धमाकेदार एपिसोड के बारे में धमाकेदार बातें होंगी। लेकिन उसके पहले आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो भाई कल जो था, धमाका तो हुआ, और धमाका हुआ हमारे कप्तानी के टास्क के दौरान। और जो ये हमारी सुरभि है, इन्होंने पूरा नाटक फैलाया, पूरा रायता फैला कर रख दिया कि भाई सुरभि जो है वो बन चुकी है घर की कप्तान और पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि जब से वो आई है तब से तो पता नहीं क्या ही कर रही है, हर किसी के फटे में टांग अड़ाना उनकी हैबिट है, हर एक चीज़ पर। मतलब अगर वो चिटी को चलते देख रही है ना, तो उनको भी पूछ दूंगी, भाई हे व्हाई आर यू वॉकिंग। सो दिस इज द थिंग सुरभि डज ऑलवेज। तो सुरभि जो है वो मतलब लड़ाकुओं की सरदार है और वो लड़ाई करने में मास्टर है। तो देखना है हमें कि क्या होता है। बट यहाँ जो है, नेहा ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त डिसीजन ले लिया था भाई कि सोमी आप जो हो डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, क्योंकि आप अपने बल का प्रयोग कर रहे हो। तो इसको लेकर के भी सिंगल्स के बीच में हो गया है कि नेहा का डिसीजन तो जो था वो गलत था, क्योंकि उनको ऑलरेडी सोमी और सभा से प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने ये संचालक के नाते डिसीजन ले लिया कि भाई ऐसा है, सोमी आप गलत हो, सुरभि ने कुछ नहीं किया। जबकि सुरभि ने प्रॉपर्टी नुकसान किया है, गालियां बकी हैं, क्या कोई एक इडियट के लिए इतनी गाली, ओह माय गॉड। सो ये जो है ये हुआ और ये कप्तान बन गए। इस बीच में हुआ कि चलो भाई काल कोठरी की सजा के लिए हम लोग जो है वो बातें करेंगे, और जो है आपसी सहमति से कुछ तीन लोगों को हम या दो लोगों को हम जो भी है वो भेजने वाले हैं काल कोठरी में। तो भाई हमारे ये जो संत श्रीसंत हैं वो उन्होंने कहा कि मैं खुद को नॉमिनेट करता हूँ क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कर लेते एनीवेज। तो उन्होंने खुद को कर दिया नॉमिनेट। यहाँ से नेहा बोली कि मैंने भी जो है मैंने सभा को गलत लैंग्वेज का प्रयोग किया, तो इसीलिए मैं उन्हें नॉमिनेट करना चाहूँगी। वेरी गुड, तो नहीं करते। करणवीर जो है उन्होंने कहा कि मुझे जो है मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था, मैंने गलत किया, उन्होंने दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया था, मैंने उस टाइम उनका सहारा उनका जो मैं साथ दे गया, तो मुझे लगता है कि मैं उसमें गलत हूँ। तो भाई उन्होंने भी खुद को नॉमिनेट कर दिया। तो ये जो हो रहा है, ये जो खुद को नॉमिनेट करके इन लोगों ने अपना बड़प्पन दिखाया, बिग बॉस ने सार्कास्टिक वे में अच्छे तरीके से समझाया कि बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है अपनी गलतियों को समझते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं और उस चीज़ के लिए सज़ा पाने तक तैयार रहते हैं। तो चलिए भाई अब आपसे हम पश्चाताप करवाते हैं, आप तीनों को नॉमिनेट करते हैं और आपको काल कोठरी में भेजते हैं। तो जहाँ नेहा, दीपक और उर्वशी जाते, वहाँ जो है सारी सिंगल्स की टीम, मतलब अब सिंगल्स की टीम में पांच लोग हो, तीन लोग नॉमिनेट ही हो गए, तो बचे कौन से? तो तीन नॉमिनेट हो चुके हैं, दो जो बचे हैं वो अगले नॉमिनेशन में हो सकता है कि नॉमिनेट हो जाए। तो अब जो है, अब इनको हो गया कि नहीं, कब भाई जब आपको जाने ही था, आप एकदम मतलब दृढ़ निश्चय में उस वक्त। तो करणवीर को मैंने देखा कि ये क्या है भाई, सार्कास्म को भी आप समझ नहीं रहे हो, क्या दिखाना क्या चाहते हो आप अभी फिलहाल? लाइक ही थॉट कि बिग बॉस ने उनको एक्चुअली प्रेज किया। मैं उनका पूरा रिएक्शन बैठकर देख रही थी, बोला थैंक यू बिग बॉस। ही जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड, बिग बॉस जो है थोड़ा स्मार्ट खेलते हैं हमारे। तो खैर ये लोग चले गए अंदर। अब जब काल कोठरी के अंदर चले ही गए हो, सजा भुगत ही रहे हो, तो लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हो यार? ठीक है, कप्तान ने तीन 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 गिना, कप्तान ने तीन 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 गिना, क्यों? तो एनीवेज, तो ये जो है ये लड़ाइयाँ हो चुकी हैं अच्छे से, और ये सारी जो लड़ाइयाँ हो गई उसके बीच में जो बिग बॉस है उन्होंने सोचा कि चलो यार घर का माहौल जो है बड़ा ही गर्माता रहता है, कुछ कुछ रोमांटिक करते हैं, कुछ कुछ लवली करते हैं। तो उन्होंने भेज दिया अनूप और जसलीन को डेट पर। तो अनूप जी और जसलीन जो है दोनों गए हैं अब डेट पर, एक्टिविटी एरिया में दोनों की। हमने रोमांटिक जो एक रोमांटिक लम्हा था वो हमने देखा, उसके लिए घर वालों के जो डिस्कशन हो रहे थे वो भी हमने देखा। एग्जैक्टली जसलीन और अनूप जी एक दायरे में रहकर एक बहुत ही सिंपल सा एक उनका जो रोमांटिक रिश्ता है, हम भी उसे इंजॉय कर रहे हैं, वो भी उसे इंजॉय कर रहे हैं और मज़ेदार हो रहा है घर का माहौल। तो अब ये जो रोमांटिक नोट पर एंड हुआ है हमारा ये एपिसोड, देखना है कि वीकेंड के वार पर सलमान खान इस पूरे वीक के लिए घर वालों की क्लास कैसे लेते हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिए स्पार्क टीवी पर और देखते रहिए बिग बॉस।